नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पदार्थ विज्ञान, जो कि लगभग हर बच्चों की एक समस्या होती है कि पदार्थ विज्ञान को समझ में नहीं आता। पढ़ते जरूर है, किताब में दिया रहता है, उसकी भाषा ही नहीं समझ में आती है। अगर मैं गलत कहूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हमारे साथ भी समस्या थी और यही समस्या आपके साथ है। क्यों ऐसी समस्या आ रही है? क्योंकि ये जो पदार्थ विज्ञान है ना, अगर जिसको पदार्थ विज्ञान आ गया, इसका मतलब उसको संहिता का नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें संहिता, अपने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अन्य संहिता को समझने के लिए इस पदार्थ विज्ञान को सबसे पहले समझना चाहिए। तो आइए हम लोग बिल्कुल आसान से आसान भाषा में, बिल्कुल इजीएस्ट वे में पदार्थ विज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज से हम लोग का पदार्थ विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात फर्स्ट पेपर की शुरुआत हम लोग कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें हम लोग पहला टॉपिक है जो कि वायरल होना चाहिए बच्चों, ये है हम लोग का सिद्धांत के लक्षण व वर्गीकरण। तो आप जब सिलेबस में जाएंगे तो वहाँ पर लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत ऐसा दिया हुआ है, फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट। उससे पहले कहीं आयुर्वेद के बारे में दिया है, आयु के बारे में दिया, तो आप जानते ही जानते हैं। हम लोग आते हैं सिद्धांत के लक्षण व वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखेंगे सिद्धांत के लक्षण व वर्गीकरण। लक्षण का मतलब क्या होता है? लक्षण का को कभी कभी परिभाषा के रूप में पूछा जाता है, परिभाषा अर्थात डिफिनेशन। तो लक्षण का मतलब होता है परिभाषा या डिफिनेशन, और वर्गीकरण मतलब उसके भेद, उसके टाइप है ना, उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के सिद्धांत होते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिद्धांत को किस तरह से रटा जाए, मतलब रटा मतलब किस तरह से समझा जाए। तो ये देखेंगे श्लोक है, सिद्धांतो नाम स यह परीक्षकैर बहुर्विधम परीक्षक हेतुभिश्च साधित्वा स्थापिते निर्णयः। तो इसका मतलब ये जो रेफरेंस है चरक विमान आठवें चैप्टर का है बच्चों, याद रखिएगा, चरक विमान आठवें चैप्टर में रेफरेंस बहुत जरूरी है, ये श्लोक बहुत जरूरी है। आपका फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर के एग्जाम में आपको ये काम आएगा कि सिद्धांत के प्रकार लक्षण देखेंगे। सिद्धांतो नाम सय परीक्षकैर बहुर्विधम परीक्षक हेतुभिश्च साधित्वा स्थापिते निर्णयः। अर्थात देखिए, अर्थात परीक्षकों द्वारा, परीक्षक मतलब परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्षा विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्षा विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो आइए समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वाटर पानी कितने डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल होता है, खौलता है, तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी खौलता है, बॉयल होता है। तो ये 100 डिग्री टेम्परेचर कैसे आया, कहाँ से आया? तो ये कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत मतलब एक बेसिक थ्योरी है, प्रिंसिपल है। तो इसको, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। अगर आप उसके पे जाएंगे 100 डिग्री टेम्परेचर पे किस पानी खौलता है, तो ये 100 डिग्री जो फिक्स हो गया, इसका मतलब कि उसके पीछे बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया, तब जाके डिसाइड हुआ कि नहीं, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से बात की गई कि जो हम लोग के आयुर्वेद संहिताओं में जो पहले के जो ऋषि मुनि थे, साइंटिस्ट थे, वो क्या करते थे, सिद्धांतो नाम यस परीक्षकैर बहुर्विधम। अर्थात परीक्षकैर बहुर्विधम का मतलब क्या है, परीक्षकों द्वारा अनेक बार, परीक्षकैर मतलब परीक्षकों के द्वारा, बहुर्विधम मीन्स होता है अनेक बार, परीक्षा विषय की परीक्षा कर और साथ ही साथ हेतुभिष्ट साधित्वा और हेतुओं को सिद्ध कर। हेतुभिष्ट साधित्वा मतलब हेतुओं को सिद्ध कर, हेतु मतलब जिसके द्वारा परीक्षा करते हैं। परीक्षा मतलब हम लोग परीक्षा करेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास टूल्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे, हथियार होंगे, तो उस हेतुओं के द्वारा विषयों को सिद्ध करते हैं। तो जिसकी हम लोग एग्जामिन करते हैं उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, परीक्षु विषयों को सिद्ध कर। स्थाप्यते निर्णय, जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे ही सिद्धांत कहते हैं। आसान भाषा में है, परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्षा कर, परीक्षा विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन विषयों
को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। तो जब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका मतलब कि बहुत से साइंटिस्ट वहाँ पर अनेक बार उसको एक्सपेरिमेंट किए होंगे और उसको पर्टिकुलर उसमें इंस्ट्रूमेंट या जो भी एक तरह से जो भी सामान यूज हुआ होगा उसके द्वारा उसको हेतु बोलेंगे, तो उसी के द्वारा परीक्षा किए होंगे। तो हम लोग एक डिसीजन पे पहुंचे थे कि नहीं, पानी जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल होता है, इसका मतलब कि वही एक सिद्धांत हो थ्योरी प्रिंसिपल आ गए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ में आया? अब बात करते हैं कि सिद्धांत का जो वर्गीकरण होता है वो कितने प्रकार का, सिद्धांत का वर्गीकरण या भेद या प्रकार, तो ऐसा आपके पूछा गया है। तो यहाँ देखेंगे उसी चरक विमान 8 का कंटिन्यू श्लोक है, तो यहाँ देखेंगे सचतुर्विध जो सिद्धांत होता है चार प्रकार का होता है। सिद्धांत के कितने भेद होते हैं? चार प्रकार के। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि सिद्धांत के भेद होते हैं 1, 2, 3, 4, तो सही जवाब होगा 4। सचतुर्विध अर्थात सिद्धांत चार प्रकार का होता है। सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात पहले नंबर पे है सर्वतंत्र है, दूसरे नंबर पे है प्रतितंत्र सिद्ध, दूसरे नंबर का सिद्धांत है प्रतितंत्र सिद्धांत है, तीसरे नंबर पे है अधिग्रहण सिद्धांत है, और चौथे नंबर पे है अभ्युपगम सिद्धांत। ये चौथे नंबर का है अभ्युपगम सिद्धांत। अर्थात देखेंगे सिद्धांत के चार भेद बताए गए हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके वाइवा में अक्सर पूछा जाता है, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों की इस सिद्धांत किसे कहते हैं, बोलेंगे श्लोक सुनाओ या डिफिनेशन सुनाओ, साथ ही साथ उसके चारों भेद बताओ, चारों भेद में कोई एक भेद पूछ देंगे तो आप वहीं पर अटक जाते हो और आपका वाइवा वहीं खराब हो जाता है। तो आइए हम लोग का वाइवा और थ्योरी बिल्कुल बेस्ट जाएगा इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे सर्वतंत्र, जैसा कि नाम है सर्वतंत्र, तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है संहिता, तंत्र का मतलब होता है संहिता, चाहे चरक संहिता हो, चाहे सुश्रुत संहिता हो, चाहे अष्टांग हृदय हो, चाहे कोई भी संहिता हो, इसका मतलब सभी, सर्व मतलब सभी, जो सिद्धांत सभी तंत्र या संहिताओं में एक समान पाया जाता है उसको बोलते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। तो सर्वतंत्र सिद्धांत का मतलब क्या हो गया कि जो सभी संहिताओं में एक समान पाया जाए, सर्व मतलब सभी संहिताओं में तंत्र में एक समान पाया जाए, एक रूप में पाया जाए, उसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? तो इसको देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सर्वतंत्र सिद्धांत उसे कहते हैं जो सभी शास्त्रों में, शास्त्रों का मतलब सभी संहिताओं में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध होता है। तो कोई एक टॉपिक पकड़ लीजिए जो सभी संस्था शास्त्रों में संहिताओं पाया था उसको हम लोग सर्वतंत्र सिद्धांत कहेंगे। जैसे रोग का कारण, रोग का कारण था निदान है, तो सभी संहिताओं में बोला गया कि रोग का कारण, अलग अलग रोगों का अलग अलग कारण बताया गया, सभी रोगों का कारण बताया गया है। और उसके बाद देखेंगे व्याधियां बताई गई है, तो सभी संहिताओं में व्याधियों के भेद बताया गया, व्याधियों के बारे में बताया गया है, और साध्य रोगों की चिकित्सा का उपाय भी किया गया है, तो ये सभी संहिताओं में बताया गया है। ऐसा अलग इस पे कोई नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब कि रोगों का कारण बताया गया, व्याधियां बताई गई हैं, और व्याधियों जो साध्य व्याधियां होती है उसकी चिकित्सा बताई गई है। तो ये तो समझ में आ गया सर्वतंत्र सिद्धांत, ठीक है, समझ में आया। और दूसरे अगर सिंपली कहें वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, तो ये वात पित्त कफ त्रिदोष के बारे में बात कर रहा है, त्रिदोष तीन दोष वात पित्त कफ, ये सभी संहिताओं में बोला गया है, लगभग लगभग बोला गया, तो इसको भी कह सकते हैं, लेकिन ये आपको ज्यादा सुटेबल ये वाला पॉइंट है, एग्जांपल याद कर लीजिएगा। उसमें देखेंगे यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पे प्रतितंत्र, प्रति का मतलब अलग अलग, अलग अलग संहिताओं में अलग अलग पाया जाए। मान लीजिए हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया, हम लोगों ने जैसे जैसे अगर बताया कि रसों की संख्या, आप लोग जानते हैं रसों की संख्या कितनी होती है, आप लोग जानते हैं कि रस हम लोग के 6 होते हैं, तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 रस होते हैं आप जानते हो, लेकिन ये रसों की संख्या अलग अलग संहिताओं में अलग अलग दिया है। तो जैसे देखेंगे तो ये अलग अलग हो गया, इसका मतलब अलग संहिता में इसका अलग संख्या हो गया, तो ये प्रतितंत्र, प्रतितंत्र मतलब कि जो पर्टिकुलर सिद्धांत है अलग अलग संहिताओं में अलग अलग रूप में पाया जाता है। तो सर्वतंत्र का मतलब एक ही रूप में पाया जाता था सभी संहिताओं में, जबकि प्रतितंत्र क्या है कि वो पर्टिकुलर सिद्धांत अलग अलग संहिताओं में अलग अलग रूप में पाया जाना प्रतितंत्र कहलाता है। तो आई थिंक सर्वतंत्र प्रतितंत्र समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे जैसे प्रतितंत्र मतलब एक एक शास्त्र में, मतलब अलग अलग शास्त्र में, एक एक शास्त्र मतलब अलग अलग शास्त्र में, एक एक शास्त्र में प्रसिद्ध अर्थात जो भिन्न भिन्न शास्त्रों में
भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि दो तीन शास्त्र ले लीजिए, अगर एक टॉपिक पे एक सिद्धांत उठाते तो तीनों में अलग अलग रूप में पाया जाएगा वो सिद्धांत। जैसे जैसे रसों की संख्या को हम लोगों ने काउंट किया, रसों की संख्या के बारे में बताया है, जैसे चरक संहिता में रसों की संख्या कितनी होती है, 6 बताई गई जो हम लोग जानते हैं, मधुर अम्लवण कटु तिक्त कषाय। लेकिन धमार्गो तंत्र एक तंत्र है जिसमें रसों की संख्या 8 बोली गई, इसका मतलब रसों की संख्या हर एक संहिता में एक नहीं मानी गई है, चरक संहिता में 6 मानी गई है, धमार्गो तंत्र में 8 मानी गई है। तो ये हो गया प्रतितंत्र सिद्धांत, आई थिंक आपका सर्वतंत्र प्रतितंत्र क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि अधिकरण सिद्धांत के बारे में, अधिकरण सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में, कि जिस विषय का प्रकरण चलता हो, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दो ज्ञानी पुरुष या दो विद्वान लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, प्रकरण मतलब टॉपिक, तो यहाँ पर प्रकरण का मतलब क्या होता है, टॉपिक, टॉपिक ठीक है ना, विषय जिसको कहते हैं, जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो, उस जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही हो, अर्थात लिखा जाता हो या तो मतलब बात हो रही हो या लिखा जाता हो या कहा जाता हो या आपस में बात हो रही हो, उसमें उसी से संबंध रखने वाले दूसरे अधिकरण अर्थात दूसरी बात का आ जाना अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। बात समझ में नहीं आई होगी, अब एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे हम लोग बात करें कि अगर जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात हो रही है, उसी से संबंधित दूसरा पॉइंट उसमें आ जाता है, तो इससे इसमें एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे जैसे कहा गया मुक्त पुरुष, जो मुक्त पुरुष कौन से होते हैं, मुक्त पुरुष मतलब जो मुक्त पुरुष शास्त्र में दिया है, जो मुक्त पुरुष होते हैं वो शुभ और अशुभ कर्म नहीं करते हैं, जो मुक्त पुरुष होते हैं वो शुभ और अशुभ कर्म नहीं करते हैं, अर्थात निष्काम होते हैं, जो मुक्त पुरुष होते हैं वो शुभ अशुभ कर्म नहीं करते हैं अर्थात निष्काम होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है भाई, व्यक्ति जब कार्य करेगा तो उसका फल प्राप्त होगा, नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। तो इससे ये दूसरा पॉइंट आ गया ना, जैसे कहते हैं मुक्त पुरुष जो है शुभ अशुभ कर्म नहीं करते हैं, तो शुभ अशुभ कर्म नहीं करते हैं, इसका मतलब जब काम किया जाएगा इससे निष्कर्ष निकलता है, तो क्या निष्कर्ष निकला इसके, इसको कहेंगे कि मुक्त पुरुष जो होते हैं शुभ अशुभ कर्म नहीं करते, निष्काम होते हैं, अर्थात कर्मों का फल होता है, व्यक्ति कर्म करेगा तो फल प्राप्त होगा। और मोक्ष होता है, मोक्ष होता है इसका मतलब क्या है कि निष्काम पुरुष है, इसका मतलब कि उसको मतलब कि शुभ अशुभ कार्य नहीं करते, इसका मतलब मोक्ष हो गया उसका। और उसके बाद देखेंगे पुरुष होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कर्मों का फल होता है, मोक्ष होता है, पुरुष होता है, ये अलग अधिकरण आ गया, अलग टॉपिक आ गया इससे रिलेटेड, तो इसको बोलेंगे अधिकरण सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत आपका है अभी उपगम सिद्धांत, अभी उपगम सिद्धांत का मतलब जिस असिद्ध अपरिच्छ अनुपदिष्ट और अहेतुक बात को वैध वाद के समय मान लेते हैं उसको हम लोग अभी उपगम सिद्धांत कहते हैं। तो मान लीजिए टॉपिक चल रही है, आपस में डिस्कशन चल रहा हो प्रॉपर, लेकिन वो सिद्ध नहीं हुआ हो, मतलब प्रॉपर परीक्षा नहीं किया गया है, असिद्ध अपरिच्छ प्रॉपर परीक्षा नहीं हो, उसका प्रूफ नहीं हुआ, अनुपदिष्ट है, और बिना परीक्षा के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बिना उसके द्वारा एग्जामिन किया गया है उसको वैध मान लेते हैं सिद्धांत के रूप में, उसको बोलते हैं अभी उपगम सिद्धांत, ठीक है ना, अभी उपगम सिद्धांत। जैसे द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे तो कुछ कहीं पर हम लोग इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, गुण को प्रधान मानकर कहेंगे, कर्म को प्रधान मानकर कहेंगे, रस को प्रधान मानकर कहेंगे, वीर को प्रधान मानकर कहेंगे, विपाक को प्रधान मानकर कहेंगे, तो ये है आपका अभी उपगम सिद्धांत। तो इस तरह से हम लोग सिद्धांत के लक्षणों का वर्गीकरण का हम लोगों ने कंप्लीट किया, और ये फर्स्ट पार्ट का ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।